दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप जितने भी चाइना के टीवीज़ हैं, एलसीडी, एलईडी, उनमें किस तरह से सर्विस मेन्यू ओपन कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि सर्विस मेन्यू कैसे ओपन किया जाता है। सर्विस मेन्यू बेसिकली जो होती है टीवी या एलसीडी की इंटरनल सेटिंग होती है, और यहाँ पे आप बहुत से फीचर को इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चल कर आपको सर्विस मेन्यू के तमाम फंक्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है तफसील से हम समझाएंगे। ये जो होता है सर्विस मेन्यू, तकरीबन ही तमाम टीवीज़ में ओपन होता है। उनके कोड्स और जो लेआउट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो जितने भी ब्रांड हैं उनके तमाम के जो है सर्विस मेन्यू कोड वो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है सर्विस मेन्यू के लिए आपने मेन्यू 1147, ये नॉर्मली यही चाइना में कोड यूज़ होता है, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू का, पहले आपने बटन प्रेस किया है तो मेन्यू शो हो गया, उसके बाद 1147, तो ये देखिए आपके सामने सर्विस मेन्यू शो हो चुका है। सबसे ऊपर जो है ओरिजिन का ऑप्शन है, इसमें इसका बिल्ड टाइम जो जिस टाइम ये टीवी बना था, उसके बाद MQTT और ये इसके नंबर वगैरह, यानी कि इसमें वो सारी डिटेल है जो इसके हार्डवेयर और इसमें सॉफ्टवेयर हैं, ये इसमें जो पैनल यूज़ किया गया है उसका नंबर है, और इसी तरह इसमें जितने भी यानी कि पैनल है, उसके बाद इसकी जो फ्लैश मेमोरी है और इसमें जो बोर्ड यूज़ किया गया है, तमाम के ये पूरी डिटेल दी गई है। ये इसमें जो बोर्ड यूज़ किया गया वो है BDCVMV59LL, और इसमें जो इसकी फ्लैश मेमोरी है, क्योंकि ये नॉर्मल टीवी हैं इनमें बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें जो थोड़ी बहुत 64 मेरे ख्याल मेमोरी है वो है। और उसके बाद ये इसका जो ट्यूनर टीवी ट्यून करता है, और ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है, ये सारा इसके जो वर्जन की यानी कि इसके अबाउट है, टीवी का अबाउट है। तो अब हमने पिछले मेन्यू में वापस आना है, तो उसके लिए आप एग्जिट नहीं बल्कि मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे। तो इसके बाद है ADC एडजस्टमेंट। ADC एडजस्टमेंट में होता है जो डिस्प्ले की जो प्राइमरी कलर टेम्परेचर वगैरह होते हैं ना, ये डिफ़ॉल्ट सेट किए गए होते हैं, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो, तब उससे पहले इनको ना आप छेड़ें। उसके बाद है WB एडजस्टमेंट, ये भी ऊपर ATV मोड और इस तरह की जो होती है टीवी की पिक्चर क्वालिटी, ये टेम्परेचर है मीडियम और इस तरह ये वार्म है, यूज़र अपने हिसाब से कर सकता है। और नीचे उनकी जो ये टेम्परेचर की सारी नीचे GR और भी जितनी उसकी रेंज है वो दी हुई है, कि यूज़र अगर अपने हिसाब से अपने टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है उसको एडजस्ट कर सकता है। यहाँ से आप पिक्चर क्वालिटी और उसको पिक्चर क्वालिटी को कैलिब्रेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो हो नेक्स्ट है, इसके बाद हम वापस जाएंगे मेन्यू के साथ। इसके बाद है पिक्चर मोड, ये भी सिंपल है, इसमें भी आपने पिक्चर का जो होता है मोड, स्टैंडर्ड है, डायनेमिक, इस तरह के तीन चार मोड होते हैं जो आप रखना चाहें, ये माइल्ड है। और इसी तरह जो नीचे है ऊपर मोड है, उसके नीचे उसका जो है ब्राइटनेस वगैरह, ये सारा कुछ मिलके जो होता है वो मूड बनाता है, तो नीचे वाली अगर आप मैनुअल चेंज कर देंगे तो वो यूज़र में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसमें सिर्फ पिक्चर मोड में ये चीज़ें हैं, कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है, ये पूरा पिक्चर मोड है। तो यहाँ पे ये शार्पनेस ट्यून, ये सारा कुछ मिलके यहाँ से इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपके पास जो है USB वगैरह लगी हुई है तो उसमें। उसके बाद आपके पास है साउंड मोड, इसमें भी ये बास और ट्रबल और इक्वलाइजर वगैरह की सेटिंग है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये इक्वलाइजर की सेटिंग है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा ओवर स्कैन का ऑप्शन। ओवर स्कैन में जो होती है इसकी टीवी की चैनल वगैरह को स्कैन करने के हिसाब से सेटिंग दी गई होती है, ये आप सामने देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो उसके स्कैनिंग मोड है। और आगे आता है कर्व सेटिंग में, आपको इसकी जो होती है ना ब्राइटनेस, इसके अलावा इसके डार्क रूम होता है और इसी तरह ब्राइट रूम के हिसाब से जो है टीवी की एडजस्टमेंट, उसकी पिक्चर क्वालिटी की एडजस्टमेंट की जाती है। और अब इसके बाद आता है फंक्शन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर जो है मिलेंगे। सबसे ऊपर है टीवी ऑफ का, 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली टीवी ऑफ हो जाएगा, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद है VDT मोड, इसमें जो है आपको होता है, वो आज डॉक टाइम इसे कहा जाता है, कि अगर सिस्टम में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टीवी ऑटोमेटिकली जो है वो
ऑफ हो जाता है। इस तरह इस फंक्शन को आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है पावर ऑन का जो है वो, इसको ये मेन चीज़ है, ये सेव पे आपने रखा ऑफ ऑन। इसमें तीन चीज़ें हैं, सेव पे आप अगर चलता हुआ टीवी छोड़ेंगे तो वो आपको चलता हुआ उसी मोड में मिलेगा, ऑफ छोड़ेंगे तो ऑफ रखेंगे, ऑन करेंगे तो ऑन में, जैसे ही आप प्लग इन किया करेंगे तो ऑन मिलेगा। सेव में अगर आपने स्टैंड बाई मोड में रखा तो स्टैंड बाई मिलेगा, ऑन रखा तो ऑन मिलेगा, ऑफ रखा तो ऑफ मिलेगा। अगर ऑफ है, ऑफ जब भी आप प्लग लगाएंगे तो टीवी आपको रिमोट से ऑन करना पड़ेगा, जबकि जब ऑन पे होगा जैसे ही आप प्लग लगाएंगे तो टीवी आपको ऑन मिलेगा। इसके बाद इसकी है बैक लाइट। ये जो पैनल है, इसके जो LCD है, इसके जो बैक साइड पे लेड्स लगी हुई हैं जो LCD को यानी कि ब्राइटनेस देती हैं, उन लाइट को यानी कि ये कम ज़्यादा किया जा सकता है, 1 से 100 तक है ये। इस LCD की बैक साइड पे जो है वो वाइट कलर की लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से आपको पिक्चर वगैरह नज़र आती है, तो वो है। इस ये गेम वगैरह के जो यूज़र होते हैं वो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करते रहते हैं, 0 पे ज़्यादा होगी, 100 पे आपको ये कम मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है करें आप सेटिंग। उसके बाद इसमें जो है फैक्ट्री चैनल, अगर आप चैनल की फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं सिर्फ चैनल की, तो वो यहाँ से हो सकती है, सिर्फ चैनल की। उसके बाद कीपैड एडजस्टमेंट है, उसके पावर ऑन पे जो लोगो आपको शो होता है ब्रांड का, वो लोगो उसको आप देखना चाहते हैं या नहीं, अगर ऑफ कर देंगे तो वो आपको यानी कि जब टीवी ऑन होगा तो लोगो नज़र नहीं आएगा। इसके बाद जो अगला फीचर है वो USB अपडेट है। USB के ज़रिए आप सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर सकते हैं अपने टीवी का, जैसे USB में सॉफ्टवेयर होगा तो ये ऑटो पे डिटेक्ट कर लेगी। इसके बाद है UART डबिंग, ये फ़िलहाल ओपन नहीं होता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और ये दोनों मोड जो हैं बर्निंग मोड। इसके बाद है शिपिंग मोड, ये जो है अगर आपके टीवीज़ के कीज़ लॉक हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है, तो आप इस मोड पर आके राइट एरो की प्रेस करें तो आपका जो टीवी है वो फैक्ट्री रिस्टोर हो जाएगा। टीवीज़ LCD में जो फैक्ट्री, ये शिपिंग मोड है, फैक्ट्री जो जिसे कहा जाता है, यहाँ पर फैक्ट्री का ऑप्शन नहीं होता, शिपिंग मोड या शिपिंग इंटेंशनल मोड का होता है, और इन टीवीज़ में जो फैक्ट्री रीसेट है वो इसे शिपिंग मोड के ज़रिए की जाती है। इसके बाद ये वाईफाई का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं है कि ये किस लिए होता है, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता देंगे इसके बारे में भी ये क्या चीज़ है। तो आपको एक बात डिस्कस करनी है कि अगर आपका चैनल के अलावा कोई ब्रांड है तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने ब्रांड के हिसाब से कोड भी हमारे इस जो है चैनल उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मज़ीद वीडियो के लिए भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आज की इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।